हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी अमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब। वेलकम बैक इन अवर कम्युनिकेशन सेक्शन गाइस। ना हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, so let's be continue teachers, and I'm back with all of you with some of the beautiful structures that we can use regularly teachers, you know, in communication while talking to someone. So if you want to enhance your communication skill teachers, keep watching this session that, you know, that comes regularly at 2:30 p.m. guys, you know, Monday to Saturday. So guys, I'll be talking about teachers in this session with some beautiful and daily usable practical sentences. So if you have missed any previous lecture, it is available in the YouTube AAS English Club channel. So must visit there and watch this all our previous videos, Jason, if you missed anything. And if you're watching the first time, Jason, for this video, and if yet not subscribe this channel, don't miss it to subscribe. And please subscribe and get, you know, press the bell icon also for the notification for the further videos. So guys, let me continue with the session of the day. And today I will have, Jason, and I have some beautiful sentences for you. Undoubtedly, Jason, those are the structures that I'll be speaking about are amazingly and wonderfully, Jason, you know, useful for all of you in a regular practical life. So guys, let's be continue to the next one, and I'm going to discuss something, Jason, to all of you. तो चलते हैं आज की स्ट्रक्चर सेक्शंस में, और आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ। तो आज का जो पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा डिसेंस, वो बहुत ही यूजफुल होगा। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली आप बहुत बार बोलते होंगे, बट हिंदी में बोलते होंगे इन लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो एक सिंगल पार्टी पॉजिटिव वर्ब एंड डबल पार्टी पॉजिटिव वर्ब एंड ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव वर्ब। पहले ये तीन टर्म्स क्या है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डे। आज के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ कि ये सिंगल पार्टी, डबल पार्टी एंड ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ये पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब जिसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कितने व्यक्ति इन्वॉल्व है, एक व्यक्ति इन्वॉल्व है। डिसेंस, मैंने उसे पढ़ाया, इसमें कितने व्यक्ति इन्वॉल्व है, दो व्यक्ति इन्वॉल्व है। डिसेंस, मैंने अपना बाल कटवाया, या डिसेंस मैंने उसे कह करके उसे पिटवाया, मैंने कह सुन करके उसे पिटाया, इसमें ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव है, तीन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। पापा को कह करके उसको पिटवाया, तो डिसेंस पापा, मैं और वो जो पिटाया, तीन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको हम ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी जितने व्यक्ति इन्वॉल्व उतने पार्टी पॉजिटिव वर्ब होता है, यानी सिंगल पार्टी, डबल पार्टी एंड ट्रिपल पार्टी पॉजिटिव वर्ब्स। तो आज मैं आपको डिसेंस सिंगल पार्टी एंड डबल पार्टी के बारे में बात करूंगा, जरा गौर से सुनेंगे। यदि आपको बोलना है डिसेंस मैंने उसे हंसाया, उसने मुझे रुलाया। इट हैपेंस, आप रेगुलर यूज करते हो ऐसे सेंटेंसेस, करते हो या नहीं करते हो, करते हो। डिसेंस, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे ऐसे सेंटेंसेस को, बहुत ही इजी है, बट अंग्रेजी जब आप कन्वर्ट करने जाते हो डिसेंस अंग्रेजी में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हमारे माइंड में ऑप्शन ही नहीं आता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं। डिसेंस अक्षर ऐसे सेंटेंसेस हम रेगुलरली अपने स्पोकन के अंदर यूज करते हैं, या डिसेंस जो है आप बोलते समय यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना है, सब्जेक्ट को आप सबसे पहले रखना है, सब्जेक्ट के बाद मेड लगा देना है। क्या लगाना है, मेड लगाना है। डिसेंस उसके बाद आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट लगाना है, एंड वर्ब आपको V1 में रखना है। वर्ब क्या रखना है, V1 में रखना है, विदाउट टू V1 इंफिनिटिव होगा, वो विदाउट टू होगा। तो डिसेंस ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे बनाने वाले हो। मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ। अमेजिंग सेंटेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही खूब, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्ड है गाइस। उसने मुझे रुलाया, he made me cry, he made me whip। उसने घोड़ों को चलाया, कैसे बनाएंगे, उसने घोड़ों को चलाया, he made the horses, कर सकते हैं walk, उसने घोड़ों को, डिसेंस ये प्लूरल हो गया, he made the horses walk।
तो इस तरह से आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को ब्यूटीफुली बना सकते हैं। कोई भी काम इसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व है, मैंने और वो, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे पढ़ाया। डीसोस तो पढ़ाया तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं टाउट मी, क्योंकि पढ़ाना का अंग्रेजी होता है बट हंसना का अंग्रेजी लाफ होता है, हंसाना का अंग्रेजी तो लाफ नहीं होता ना। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हंसाने के लिए। डीसोस हंसना, हंसाना, खेलना और खिलाना, खाना और खिलाना, ये सारे वर्ड अलग अलग होते हैं। तो डीसोस ऐसे वर्ड जिसका अंग्रेजी में वर्ड, जैसे पढ़ना को हम स्टडी कहते हैं और पढ़ाना को टीच कहते हैं, तो यहां हमारे लिए पढ़ाने के लिए पर्टिकुलर वर्ड है टीच। तो आप डायरेक्ट ना मेड के, आई टाउट हिम, ही टाउट मी। बट जहां पे वर्ड्स जैसे हंसाना का एक वर्ड अलग नहीं होता, हंसना का तो होता है बट हंसाना का पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता ना हमारे पास, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेड का इस्तेमाल करते हैं। एंड इफ यू गॉट इट गाइस, यदि आपने ये सीख लिया है और आपने आपने बनाना शुरू कर दिया है ऐसे सेंटेंसेस को, तो एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बताएंगे डेसों की, मैंने उसे डांस करना सिखाया, नहीं दिस इज मैंने उसे डांस करना सिखाया, या आप इसे बनाएंगे मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में, दिस इज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आंसर इट क्विकली। सो लाइक गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ मैं चलता हूं, कैसे बनाएंगे और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस रेगुलरली गाइज। आई कम टू यू डेसेंस नो रेगुलरली टू डिस्कस सम अमेजिंग सेंटेंसेस विच आर रेगुलरली यूज गाइज, आप प्रैक्टिकली रेगुलर यूज करते हो सारे सेंटेंसेस को बट हिंदी में यूज करते हो, नाउ वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सो गाइज लेट मी कंटिन्यू, आपको यदि बोलनी है मैंने अपना बाल कटवाया, कोई बाल अपना खुद से नहीं काटता ना, मैंने अपना अपना बाल कटवाया, अपना बाल कटवाया, उसने एक घर बनवाया, एक घर बनवाया, घर खुद से हम नहीं बनाते ना, नहीं दृश्यों से हम बनवाते, वैसे तो लाइफ में ऐसी बोल देते लोग रेगुलर लैंग्वेज, बड़े सुंदर घर बनाया भाई, नहीं शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया कि बनवाया, बनाया है, शाहजहां खुद से थोड़ी बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, वो किसी और के द्वारा काम हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आप, ऐसे एक्शंस जो आप खुद से नहीं करते, बाल खुद से नहीं काटते, अक्सर ऐसे सेंटेंसेस को आप किसी से पूछेंगे तो वो डायरेक्टली आपको यू कह देगा, मैंने अपना बाल कटवाया, आई कट माय हेयर, हो गया। तो आई कट माय हेयर का मतलब ये हो गया कि मैंने अपना बाल काट लिया खुद से। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ऐसे बिल्कुल ना बनाए। प्रीपोजिशंस कैसे बनाएंगे आप जरा गौर सुनेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाए, सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट के बाद ऐसे सेंटेंस में आप हैड का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है, एंड हैड का प्रयोग के बाद मेन वर्ब लगता बट ऑब्जेक्ट पहले लगेगा, ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले लगता है और वर्ब बाद में लगता है, वर्ब बाद में लगता है। डीसोस ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पहले लगेगा और वर्ब बाद में लगेगा, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, आई हैड माय हेयर कट, आई हैड माय हेयर कट, आई हैड माय हेयर कट। डीसोस ये वर्ब जो होगा ये वाला, ये भीतरी फॉर्म में होगा, किसमें फॉर्म में होगा, भीतरी फॉर्म में होगा। चलो बनाओ दूसरा नंबर बनाते हैं, उसने एक घर बनवाया, he had a house built, he had a house built, उसने एक घर बनवाया, he had a house built। चलो डीसोस ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था अभी तक जो भी आपने पढ़ा, और ऐसे ही अपनाएंगे। कोई भी काम जो आप खुद से नहीं करते हैं वो काम करवाते हैं आप किसी से, तो had के साथ दिस इज वेरी वेरी यूनिक एंड स्पेशल स्ट्रक्चर। ये इसलिए भी यूनिक है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर गाइस जिसमें हम मेन वर्ब से पहले उसका ऑब्जेक्ट रख देते हैं। नहीं नॉर्मल सेंटेंस को भी आप बनाते हो तो हैड के बाद यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप मेन वर्ब रखते हो ना, बट ऐसे सेंटेंसेस में यही डिफरेंस है कि आपका वर्ब जो है वो पहले नहीं आकर के बाद में आएगा और ऑब्जेक्ट पहले आएगा जब ऑब्जेक्ट बाद में हम नॉर्मली लिखते हैं, क्योंकि सेंटेंस भी नॉर्मल नहीं है, ये काम खुद से नहीं हो रहा है, काम हम किसी ना किसी से करवा रहे हैं ना, इन दैट सिचुएशन। यदि आपने इसको सीख लिया डीसोस तो एक सेंटेंस आप बनाएंगे, जरूर आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएंगे, एज सून एज इट इज पॉसिबल, मैंने एक पत्र लिखवाया, हाउ यू विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्विकली, आंसर मी इन द चैट बॉक्स। तो डीसोस लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, चलते हैं आज का तीसरा स्ट्रक्चर, और बहुत ही यूजफुल मैं स्ट्रक्चर देने वाला हूं आपको, ये
बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है डीसल्स आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स वी गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। डीसल्स आपको यदि बोलना है डीसल्स कि उसे उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। रोहन को गाली देने की आदत है, रोहन को गाली देने की आदत है। सो इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट दिज ऑल सेंटेंसेज गाइज, यदि इस तरह के सेंटेंसेज को आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजिली, बहुत ही ज्यादा इजिली आप बना सकते हो। डीसल्स कैसे बनाओगे जी? नहीं, आपको आप इसको दो तरह से बना सकते हो। सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर लगा दो, क्या लगा दो? इज एम आर लगा दो और इन द हैबिट ऑफ लिख दो, इन द हैबिट ऑफ लगा दो और वर्ब को वी वर्ब में डाल दो। इस तरह से आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वी वर्ब। ये पहला स्ट्रक्चर है आपका, आप इसे ऐसे ही बना सकते हो। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा दो एंड उसके बाद आप यूज टू लगा दो, यूज टू, उसके बाद वी वर्ब का फॉर्म लगा करके आप दो स्ट्रक्चर है आपको इसके लिए। आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, आप उसका यूज कर सकते हो। उसे झूठ बोलने की आदत है, आप दो तरीके से बना सकते हो। ही इज इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, आप वी फोर का प्रयोग भी कर सकते हो यहाँ पे। दिस इज ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, ही इज इन द हैबिट ऑफ हार्मिंग अदर्स या हार्म अदर्स। दिस इज यहाँ वी वन का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूज, ही इज इन द हैबिट ऑफ चीट अदर्स, ओके। रोहन को गाली देने की आदत है, he is in the habit of abuse, उसे झूठ बोलने की आदत है, he is in the habit of tell a lie। यहां देखेंगे डीसल्स इस तरह से भी बना सकते हैं, he is used to abuse, he is used to harm others, he is used to जो है tell a lie, आप ऐसे ही बना सकते हो। यानी कि इज एम आर के साथ यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हो, इज एम आर के साथ आप इन द हैबिट ऑफ भी लगा सकते हो। तो वी हैव टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गाइस टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आप ऐसे सेंटेंसेस को थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हो इसको यूज करके। इफ यू अंडरस्टैंड, आप इसको जरूर यूज करें। एंड इफ यू गॉट टू नो डीसल्स, यदि आपने इसको समझ लिया है और आप यदि ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सेंटेंस प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मुझे गाने गाने की आदत है, मुझे गाने गाने की आदत है, गाने मतलब सॉन्ग और गाना मतलब सिंग, मुझे गाने गाने की आदत है। सो डीसल्स इफ यू वॉन्ट टू यू नो आंसर योर यू नो आंसर दिस क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके गाइज, लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन। आज की लास्ट स्ट्रक्चर, आज की लास्ट स्ट्रक्चर जो है डीसल्स, वो मैं आपको बताता हूँ। वह यहाँ आया करता था, वह यहाँ आया करता था, ऐसे सेंटेंसेस, वह यहाँ आया कभी कभी, ऐसे वह कभी कभी यहां आया करता था, ऐसे बनाते हैं। वह कभी कभी यहां आया करता था, वह कभी कभी यहां आया करता था, मैं कभी कभी उससे बात किया करता था। सो ऐसा कोई काम जो पास में कभी कभी हुआ करता था, ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं डीसल्स। नहीं, वो मैं कभी कभी उससे मिला करता था, मैं कभी कभी उससे बात किया करता था, मैं कभी कभी पानी पूरी खा लिया करता था, मैं कभी कभी गेम खेला करता था, मैं कभी कभी उससे मिलने चला जाया करता था, ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में भी बनानी है तो बना सकते हो। सब्जेक्ट के साथ आप वुड लगा दो, सब्जेक्ट के साथ वुड लगाना है, क्या लगाना है? सब्जेक्ट के साथ वुड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, सब्जेक्ट के साथ वुड का इस्तेमाल करके डीसल्स जो है ऑफन लगा सकते हो या फ्रीक्वेंटली लगा सकते हो। ऑफन के साथ आप फ्रीक्वेंटली दोनों में से कोई एक वर्ड लगाओ, फिर वर्ब का वी वन फॉर्म लगाना है। नहीं,
कैसे बनाएंगे? वो कभी कभी यहां आया करता था. He would frequently come here. He would often come here. या frequently come here. आप ऐसे बना सकते हो, मैं कभी I would often talk to her. नहीं, मैं कभी कभी वहां जाया करता था. I would often go there. Isn't it easy, guys? So if you like it, if you understand this sentence, this is not आप एक practice sentence जरूर बनाएंगे. This is रोहन कभी कभी मुझे कॉल किया करता था. रोहन कभी कभी मुझे फोन किया करता था. दिस सेंटेंस आपको बनाना है. डिसेंस आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं. डिसेंस नो हाउ इज इट द सेशन ऑफ द डे. डिसेंस नो इफ लाइक इट, यू नो यू कैन राइट इट टू द कमेंट बॉक्स टू अप्रिशिएट. डिसेंस आप जरूर इसको मुझे बताएं. आज के फोर स्ट्रक्चर्स आपको कैसे लगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ओपिनियन. डिसेंस नो यू लव इट और नॉट. So see you again this is with some more structures.